ये क्या लेके घूम रही तुम लोग? बिट्टू, हमने लोगों की मदद का काम खोला है और हमारी संस्था का नाम है बुआ दादी हेल्प वाला। दादी, हाँ? ये पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला सुना था, ये हेल्प वाले भी होते हैं? तुझे क्या बताऊं, ये निजी संस्था वाले ना, हाँ? उन्होंने हमसे कहा कि आज तक हमने जिसकी भी मदद की है ना, हेल्प की है, हाँ? उसका एक सैंपल बता दो, उसके बाद बिट्टू वो लोग हमें नौकरी पर रख देंगे। यस, इसीलिए हमने ये संस्था खोल दी। ये उस संस्था की CEO है और मैं उसकी वॉलंटियर हुआ। वॉलंटियर छोड़, मैं तो कहता हूँ फ्रंटियर पर निकल ले, कब से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो लोगों ने पूछने बंद करके ये गाड़ी कब जाएगी। भाई आपको पता है ये मदद करने निकली है, भिखारी भी इनके आगे कटोरा नहीं करता। और तो उस दिन आया भिखारी, दादी कहती ला तेरी हेल्प करो, कहता नहीं नहीं उधर रख दे, मैं खुद डालूंगा। ये उसके कटोरे के पास गई, उसने कटोरा नाले में फेंक दिया, कहता भैया वहां से फिर भी ढूंढ लूंगा, यहां से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। ये मदद करने के लिए झूठी गई थी। तुझे पता नहीं, कल रात की बात है, एक बुजुर्ग की मैंने मदद की है। क्या मदद की तुमने? अरे वो बाकी है ना, अपना पड़ोसी। हाँ पड़ोसी, कल रात को उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, बिचारी के पास दारू पीने के लिए जगह भी नहीं थी, मैं उसे अपने घर ले आई। अपने फायदे के लिए लाई होगी ना, आधी बोतल तू भी पी होगी उसकी। बिट्टू अब मेरी मदद सुन, रात एक भिखारी हाय ठंड में सो रहा था, मैंने उस पर कंबल डाल दिया, उसने मेरे को बहुत सारी दुआएं दी। वेरी गुड, वाह भिखारी की मदद की तूने, और जिस भिखारी का कंबल उठा के तूने दूसरे भिखारी पे दिया वो तो निमोनिया से मर गया होगा ना बेचारा। अरे बिट्टू, निकल गया बिट्टू, मैं आया। तेरी कसर बाकी थी, एक तो ये पलक की मां ना, एक तो इसकी बेटी नहीं छोड़ती, दूसरी ये नहीं जान छोड़ती। अरे बेटा, क्या मैं आजी बोला, आजी आजी बेटा। पलक की माँ, तेरी दाढ़ी कहाँ से हो गई? वो तो क्या, वो योगा का रिएक्शन हो गया ना। अब वो क्या है कि बाबा ने कहा था कि इस तरह हाथ को घिसेंगे तो बाल उगाएंगे, अब यहाँ के साथ साथ यहाँ भी उगाएंगे, ये बाबा ने बताया नहीं। कोई नहीं, क्या है कि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। क्या? आपको हमारी मदद चाहिए? ओहो, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है आप, हम तो सुबह से किसी की मदद करने के लिए तरस रहे थे। मैंने देख लिया, मैं देख सकती हूँ, दिख रहा है। जल्दी बताओ बेटा, क्या है कि पलक को देखने आने वाले हैं। अरे मैंने अच्छा? तो पहले कहा था उस पर टिकट लगाओ, बड़ी भीड़ आएगी देखने उसको। वो आम बेटी नहीं है तुम्हारी। बेटा वैसे नहीं, पलक को लड़का देखने आने वाला है। आप मदद मांगने आई है कि मेरा मजाक उड़ाने आई है? बेटा वैसे मतलब क्या है, बड़ी मुश्किल से पहली बार तो पलक को कोई देखने आ रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारी फंस गई है। मेरे को तो पहले पता, जितना खाती ना कभी ना कभी फंसेगी, दरवाजे में फंसेगी, खिड़की में। ट्रैफिक में फंस गई है। झल्ली कहीं की, जब उसे पता था कि लड़के वाले देखने आ रहे तो ट्रैफिक में फंसने गई क्यों मोई? अरे वो गई तो ब्यूटी पार्लर थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जरा सी लेट हो गई, वहां पे उसे रोक लिया उन्होंने। तो आपको बोल देना चाहिए था ना ब्यूटी पार्लर वालों को कि 6 लड़कियां लगाओ उस पे, एक लड़की का काम तो है नहीं। आप एरिया भी तो देखो ना पलक का कितना है, मतलब कटकटा के कारपेट एरिया 3000 स्क्वायर फीट है पलक का। बेटा आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरी बेटी का? अरे इतनी मुश्किल से उसका रिश्ता हो रहा है, पहली बार कोई लड़का देखने आ रहा है उसे, ये लड़का अगर हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी पलक यही बैठी रहेगी इस घर में। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए और टेंशन की बात है, वहां बैठी रहेगी तो आती रहेगी। अब बताओ करना क्या है? देखो करना कुछ नहीं है, देखो अब वो तो आने से रही, अब वो तो आएगी नहीं, तो एक काम करो तुम पलक बन जाओ। आपका दिमाग खराब है आंटी, मैं कैसे पलक लगता हूँ? बिट्टू मैं तो कहती हूँ बन जा, उससे तो तू ही ठीक दिखेगा। अरे नहीं, मैं नहीं बनता पलक, उन लोगों ने फोटो भी देखी होगी, उनको पता नहीं चल जाएगा मैं पलक नहीं हूँ। अरे उसका टेंशन मत ले बेटा, ये देख जो फोटो मैंने उनको भेजी थी ये। ये फोटो देख के उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। आंटी जी 1 मिनट, आप कहें तो मैं बन जाऊं पलक। 1 मिनट, क्या है कि उसको देखने लड़का आ रहा है, लड़के का चाचा नहीं। ए बुढ़िया, तेरी दाढ़ी में उंगली फंसा के
आपने? अगर इतनी टेंशन थी तो फिर उसे पार्लर पे जा क्यों? अरे पार्लर तो रोज जाती है वो, तभी तो ऐसी दिखती है। एक दिन पार्लर नहीं गई थी, ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए, कहते भाई साहब ये ड्रम आपके काम का नहीं तो हमें भेज दो। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बड़े प्यार से पाला है मैंने उसे। प्यार से नहीं, मैदे से पाला। एक टाइम पे 60 चपातियां खाती उसको, कम खिलाया करो उसको। अरे इतनी मन्नतें मांगी तब जाके मेरी पलक पैदा हुई है, इतने दिए जलाए हैं उसके लिए। दिया क्या किसी इराक के तेल के कुएं में जलाया था जो इतनी बड़ी बच्ची पैदा हो गई? मेरा है, तो मेरा उठा। हेलो, हेलो, क्या आप लोग मोड़ तक आ गए हैं? हाँ, तो मैंने जो एड्रेस बताया था आप लोगों को, बैंगलोर नंबर 9, उसके बाहर लिखा होगा पलक्स एंड मदर्स। ए, तेरे पलक का ऐसो, तेरी मदर का ऐसो मैं उठा के फेंकना। ये 9 नंबर बंगलो तो हमारा है, हमारे घर के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया आपने। आज वो क्या है बेटा कि क्या, हमारे घर में ना पपड़ी उतर रही है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर में बुला लेते हैं। तो पपड़ी तो उतरेगी, इतनी तीखी दाढ़ी दीवार के साथ मुंह लगा के सोती क्यों तू? बेटा चिंता ना कर, पपड़ी बेकार नहीं जाएगी, जो पपड़ी उतरेगी ना उसमें दही मिला के दही पपड़ी बना के खिला दूंगी तुझे। अपनी बेटी को खिला जाके मेरे को नहीं बनना भी। और मैं तो पलक बन भी गया मान ले, तो ये दाढ़ी वाली माँ अच्छी लगेगी। हाँ, वो एक काम करते हैं, इस पिंकी को माँ बना लेते हैं। है, पहले शादी तो करा दो मेरी, बिना शादी के माँ बना दोगे? नहीं, बस अभी थोड़ी देर के लिए माँ बनना है, वो भी पलक की। पलक की? अरे इतनी मोटी, लोग क्या कहेंगे, किश्तों में बेटी पैदा की थी। नो नो नो, मुझे नहीं पता माशा। एक मिनट, एक बीच में से हट। मैं क्या कहती हूँ, 22 ईयर ओल्ड माँ नहीं बनना चाहती है, तो 55 साल की बुआ ही बन जा। साउंड कर रहा है। ओके, मैं बुआ बन जाती हूँ। शी इज रेडी। अरे लगता है वो लोग आ गए। चल चल बेटा, मैं तुझे पलक बना देती हूँ, फटाफट आ जा, आ जा, आ जा, चल 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 चल। भीड़ थी बहन जी, बाकी कुछ नहीं। आधी तो आप ही ने की होगी। वैसे हमें पता नहीं था कि दूल्हे के पापा जो है वो गैस से हैं। आप जब आई गए हैं तो आइए ना, तशरीफ रखिए। बैठो बैठो बैठिए बैठिए बैठो बैठो बैठो। पांच के तीन ले लो। देखने आए हम तुम्हें, देखने आए हैं बेटी। देखो देखो, लड़की एकदम मजाक किया है, इन दोनों की बड़ी अच्छी जमेगी। इसका सब मजाक उड़ाते तो अब इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो घर पे इसका मजाक उड़ाएगी। मतलब ये गुंगा है, बोलता नहीं है। मैं ये कह रही थी, ये गुंगा मतलब गुंगा कैसे हुआ? अरे ये एक नंबर का भुरक्कड़ है, एक दिन च्युइंगम खा रहा था तो च्युइंगम निकल गया और जबान बाहर थूक दी। ये जो सिर्फ मुंह से गूंगा है, गाने के ट्यून बहुत अच्छी तरह गा लेता है। अच्छा, गा के दिखा बेटा, गा के दिखा, गा के दिखा। आजा बेटी, आजा आजा बेटी। राहुल महाजन है, इनका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिद कर रहे थे तो हम ले आए, अगर कुछ मुंह से निकल जाए तो काल्पनिक समझ के माफ कर देना। ये
बेटी तुम क्या करती हो, क्या बनाती हो? मैं अंकल उल्लू बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। उल्लू दाल, उल्लू फुल्का, उल्लू मेथी, उल्लू साग, उल्लू भुट्टा। कल तो मैंने ना उल्लू को उल्लू बना दिया। उल्लू हमारे घर में आया, मैंने मुर्गे की बांधी कर, मैंने उसको लगा सुबह होगी, भाग गया उल्लू।